हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है एलओसी के पास कश्मीरी स्कूल में क्या सिखाया जाता है। अच्छा जी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जो कि कश्मीर में है। और वहाँ के स्कूल्स में बच्चों को क्या सिखाया जाता है वैसे, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पर उस साइड पे मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है कश्मीर कश्मीर में, वाली साइड में। तो स्कूल्स के अंदर बच्चों को वैसे क्या सिखाया जाता है, ये एक सवाल है हमारे मेरे वैसे मेरे माइंड में भी आता था ये, कि उन लोगों को किस तरीके की उर्दू या हाँ, तो हिंदी या क्या वही चीज़ें सिखाई जाती हैं, या किस तो लैंग्वेज में या किस तरीके से। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखते हैं इस वीडियो में और हमारे। हाँ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताना है, और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो। हम दोनों के इंस्टाग्राम्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हिंदुस्तान को डांस सलाम पेश करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, एकदम इतनी फैसिलिटीज हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, डांस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम। अच्छा व्लॉग है। अच्छा, हाँ मुझे लगा इसी तरह की वीडियोस होंगी, व्लॉग है बेसिकली। यार वो इंडिया के जिस तरीके से मिली नगमे, पाकिस्तानी मिली हाँ नगमे होते हैं स्कूलों में पढ़ा मतलब गाते हैं बच्चे, सेम उसी तरीके से है। और वही उसी तरह की सारी चीजें। किरण किरण ही ना पीछे वो देख रहे हो, तू है वो नीलम वैली मेरी पीओके, और किरण। मेरे राइट साइड में जो देख रहे हो ये भी पीओके है, रिवर के उस पर पीओके। और इधर आओ देखो, जैसे सुबह अच्छा, सुबह अभी लाइन सुबह ऑफ का टाइम हो रहा है, कंट्रोल। 9 बज रहा है अभी, और रिवर के पास ऐसे बैठे हुए लोग, ये इंडिया के लोग है, पाकिस्तान के नहीं है। तो ये अच्छा, हमारे जाहिद भाई, और ये जो टी शर्ट है ये इनका है एक्चुअली। ऐसे ये गलत बात है भाई। हाँ सर, ये जो है ये सामने पीओके है, यहाँ कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है, या टेंशन रहे ना उनकी फौज ना हमारी फौज, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बैठ सकता है, बाय बाय कर सकता है, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ कोई टेंशन होगी या कोई मतलब ऐसा मामला है नहीं। हम बड़े खुश हैं आपकी माध्यम से, हम बहुत ही खुश हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ आकर इतने टाइम हमारे पास बैठे। हम रिक्वेस्ट करते हैं वो आएँ, यहाँ का लुत्फ लें और नज़ारा लें, यहाँ की क्या सीनरी है, क्या खूबसूरती है। ये सर जो पीओके की गाड़ी जा रही है वो सामने से है, अभी ये हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, वो सामने से तो दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं, ना उनको दिक्कत ना हमें कोई दिक्कत है। इसके साथ साथ और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ का जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है। अच्छा, सिर्फ रिवर है दरमियान में, ये देखो हाँ, छोटा सा दरिया है उस साइड यहाँ पे पे। हम बोट पे भी जा वैसे सकते हैं वैसे हम, हम भी किसी दिन चलें एलओसी पे, मतलब जाएं मतलब अलाउ कश्मीर का। है, हाँ, हम लोग वो साइड हमारी है ना, मतलब पाकिस्तान का ये कश्मीर है। मतलब मकबूजा और आजाद कश्मीर देखो, जो। हम लोग कहते हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको मकबूजा, क्योंकि हाँ इंडिया ने कब्जा किया अच्छा हुआ है। तो इंडिया कहता है कि जो हमारे पास है वो हमने कब्जा किया हुआ है। अब जो भी है वो तो जो बात भी है कश्मीर की, वो एक अलग रखते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ हम लोग इस जगह तक जा सकते हैं कि दरमियान में रिवर होगा, दूसरी हाँ साइड पे इंडिया इंडिया के झंडे लगे हुए नजर आएंगे, इस साइड पे हमारे झंडे लगे ओ हुए होते हैं। तो हाँ जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे काफी वहां का। काफी क्या हेल्पफुल है, बहुत फोन से बहुत ज्यादा पूछते हैं हेल्पफुल क्या है। कहते हैं वो। जब मैं हाँ गेट से एंट्री अच्छा है लिया, ना। वहां पे कर्नल सर थे और मेजर सर थे, और वो उन्होंने हम मुझे बुलाया हमें बुलाया बुला के बोला कि ये गांव को प्रमोट करना है, गांव को अच्छे से दिखाओ, वीडियो करो, कोई रोक टोक नहीं है और आप लोग शांति से घूम सकते हो, है ना। हाँ सर, यार बिल्कुल। अच्छी बात और हम है। आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस आर्मी ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा काम किया, हाँ, क्योंकि नाइस उन्होंने हमें यार। यहाँ इजाज़त दे दी आने की, और उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प भी की, आर्मी ने बहुत सी हेल्प की, क्योंकि उन्होंने कहा आप करो अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ। ना इधर से आएगी ना उधर से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इनके माध्यम से काम किया सर, हाँ। आज तक हमने कोई दिक्कत नहीं, ना हमारे किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत आएगी। फिलहाल मैं हूँ किरण में, एलओसी का बगल में एक विलेज, और आज हम लोग जा रहे हैं कि एलओसी का बगल में जो स्कूल है वो कैसा दिखता है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। हमारे साथ है यहाँ के टीचर सर, आपका नाम? अंजर अहमद भट्ट जी सर। हाँ, 1 घंटे की असेंबली होती है, उसमें हमारे बच्चों की एक्सरसाइज भी रहती है। अच्छा, और थोड़ा वो सॉन्ग्स वगैरह भी एक्टिविटीज रहती हैं हमारी। टकरे मार रही है वो।
मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। अच्छा, स्कूलों में ऐसे ही बच्चे हाँ। लगे हुए होते हैं, बट देखो बड़े मज़े का सीन है कि उनकी तरफ ना वो प्रॉपर अपने मिली नगमे वगैरह जो अपने इंडिया से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे बच्चे गा रहे हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा। ये कोई प्राइवेट स्कूल लग रहा है, गवर्नमेंट का हाँ स्कूल भी नहीं लग रहा। प्राइमरी। अगर नहीं, क्योंकि देखो कच्चा है, हाँ मतलब वो ज़्यादा चीज़ें कच्ची है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है या तो कॉलेजेस हैं इंडिया में, मतलब कश्मीर में भी जो हैं वो मैंने कुछ देखे हैं कि वो प्रॉपर सही अच्छे से बने हुए हैं, हाँ तो ये मुझे दूसरा लग रहा है, प्राइवेट लग रहा है। परिंदा हे अर्जिया दीवाने की जब बोल सुहानी देखी एक रोज ये घर वही लग रहा है ना, जब स्कूल घर मेरी होता है। शाम हो। तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, सांसों के जलने की तुम ही वजह है। अच्छा, तभी बारिश आ गई है, कितने उसकी वजह मजे से गाने सब शाने लोग और अभी हर क्लास जा रहे हैं। चीज। नहीं तो ये 1-1.5 घंटा का होता है असेंबली, तो एक लाइन पे सब लोग अपने अपने क्लास जा रहे हैं, कुछ लोग उधर कुछ बच्चे इधर। तो सर थोड़ा बता दीजिए कि ये स्कूल कितने टीचर है ये स्कूल में? सर हमारे स्कूल में 5 टीचर हैं सर, मिडिल स्कूल है सर, 4 से 8 तक क्लासेस हैं। तो आप लोग कौन से क्लास में हो? फोर्थ है। फोर्थ? जी सर। अच्छा, पासेस। पहले स्टेट थी, आज क्या है? यूटी। नीचे ठीक है बैठ रहे ना, बड़ा होके बच्चे। क्या बनना है तुमको? लद्दाख जा लेंगे। बड़ा होके क्या बनना है? मास्टर सर। मास्टर बनना है? अच्छा मास्टर सर। सही है सही है। आपको क्या बनना है? टीचर सर। आपको भी टीचर? टीचर वो आपको उसकी तरह दे। डॉक्टर? ओह अरे वाह। आपको? डॉक्टर। अरे वाह, बस लाइन पकड़ ले। आपको क्या बनना है? मुझे भी डॉक्टर। आपको भी डॉक्टर? ये असल में वो आपको बच्चे क्या पकड़ बनना लेते है हैं एक बात। डॉक्टर। आपको भी डॉक्टर? यहाँ पे सबको डॉक्टर बनना है। सारे डॉक्टर बन जाओगे बहुत तो ज़्यादा मरीज प्यारे कौन बच्चे होगा? हैं, और मेन चीज़ जो है यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी मानते हैं। जो शू है वो इधर एक साइड में रख के फिर सब लोग शू हाँ, खोल के वो उधर नीचे बैठते हैं जाके। बैठते हैं। सर आपका नाम? जियाउल खान। कितने साल से पढ़ रहे हो खान। सर आप? जियाउल खान। मैं मुझे तो 29 ईयर्स हो गए, यहाँ पर तो हो गए 3 साल तक। अच्छा, यहाँ पे 3 साल। ये क्या है इनका? नगमा है, नेशनल एंथम है। हाँ। नगमा है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। हेलो बच्चों। हेलो। वो तो बहुत सारे आपका हैं ना नाम? फिर इनका, जैसे हमारा एक है लाइक पाक सर जमीन, ठीक है, तो हाँ इनके तो बहुत सारे हैं नहीं, ना। इनका नेशनल एंथम एक ही है, उसके अलावा तो मिली नगमे तो आपके कितने बने हुए होते हैं। हमारे तो ISPR हर महीने में 3-3 निकालते हैं यूट्यूब पे। आफिया। 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 आप कौन सा क्लास में हो? इसमें। 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 आप कौन सा क्लास में हो? LKG में। LKG। इसने सही इंट्रोडक्शन दिया है। आपका घर कहाँ पे? वहाँ पे। वहाँ पे। यार यार बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, सीधे साधे। पता वहाँ क्या? पे इसमें उसमें। आप कौन सा क्लास में हो? मैंने भी 1 साल टीचिंग की है ना ऐसे स्कूल में, तो मैं ना एक क्वेश्चन किया बच्चे से कि मतलब आसमान का रंग क्या होता है, तो कहती काला। सही कहा था LKG। आसमान का रंग काला होता है, काला। वो तो हमें देखो लाइट में हमें ब्लू दिखता है, वैसे तो बेसिकली आसमान तो काला ही है। हाँ आप लोग बताइएगा सच में आसमान काला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो 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 बच्चों। अच्छा डांस क्लासेस टाइप भी है। इम्प्रेसिव।
पंजाबी बोल रहे हैं, मतलब पंजाबी वाले गा रहे हैं। मैं चलिया ढोले नाल, मैं चलिया ढोले नाल, दामन विच पैरी जुत्ती बनके देखो चीज कसुत्ती, जगजी बड़ पानी ले चली, जगजी बड़ पानी ले चली। वैसे होते हैं ढोल की गाना में इस तरह के बोले साथ, जगजी बड़ पानी ले चली। ओ नाइस, ये भंगड़ा खैर वीडियो तो बहुत मजे की थी। अच्छा बेसिकली देखो, स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है वो तो है ही है, मतलब जो इनकी एजुकेशन वगैरह वो तो नॉर्मल चल रही है, बट उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हैं, जिस तरह गाना बच्चे इसको एंजॉय करते हैं और अच्छे से वो पढ़ते। लेकिन ये देखो कि एक बिल्कुल LOC पे और फिर भी उसको प्रॉपर उनकी एजुकेशन को मैनेज करना और वो सारी चीजें बड़े मजे से हो रही हैं, और प्रॉपर उनको डांस क्लासेस, प्रॉपर उनको मतलब मजाक के अलावा हम भी चाहे एक्सप्लोर करें ऐसी जगह, कर सकते हैं हम लोग, जरूर करेंगे। मेरा बहुत दिल करता है कि हाँ हम लोग इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करें। अब वो उसके लिए बहुत बंदे को मतलब फिर ट्रेवल करना पड़ता है, टाइम बहुत ज्यादा निकालना पड़ता है, हम दोनों अलग अलग, अब जाहिर सी बात है हमारी जॉब्स भी हैं हम लोग, तो फिर वो उससे कम टाइम मिलता है, बट मज़ा आया और अच्छी जगह भी बहुत खूबसूरत है, बच्चे तो होते ही खूबसूरत हैं, वो तो दुनिया में कहीं पे भी हों, और मासूम और क्यूट। तो वीडियो अच्छी थी, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी और नॉलेज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।